आप प्रियंका चाहल हैं और ये नवाशहर से हैं। एज है 36। 36 ईयर्स। मेन तकलीफ थी बैक है करीब पिछले 4 साढ़े 4 महीने से, और राइट लेग में शूटिंग पेन बैक से होता हुआ सीधे हील तक। और इतना ज़्यादा, कितनी दूर चल पा रहे थे? ज़्यादा नहीं, 10 कदम भी दस हार्डली कदम भी चल मैंने पाए। आपको जब देखा था तो आप टिल्ट होके चल पा रहे थे, खड़े जी भी नहीं हो पा सर, रहे थे। खड़े नहीं हो पाते थे। मैसिव डिस्कोलैप्स L5-S1 राइट साइड। तो फिर 4.5 महीने में आपने कोई लोकल रेमेडी डॉक्टर्स को दिखाया नहीं? सर आयुर्वेदिक ले लो, होम्योपैथिक ले लो, फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, इवन स्टेरॉइड इंजेक्शन सब ट्राई कर कितने लिया बार था। स्टेरॉइड लिया? 2 बार लिए दो सर। बार किसी सर्जन को दिखाया? सर्जरी के लिए एडवाइस हुआ? सर्जरी के लिए एडवाइस भी हुआ और वो ओपन सर्जरी कह रहे ओके। थे, और दो ने तो ये भी बताया कि स्क्रू और नट बोल भी ओ जाएंगे। माय तो गॉड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेजोरिटी ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, पेशेंट हैज अ सर्जिकल केस, आइडियली ए सर्जिकल केस, और जब वो किसी पेन फिजिशियन के पास जाता है तो पेन फिजिशियन उसको जरूर बोलेगा कि कोई ना कोई प्रोसीजर कर देते हैं, रूट ब्लॉक या एपिड्यूरल इस तरीके से। सर्जन के पास जाएंगे तो नेचुरली इफ सर्जिकल केस इज एडवाइस फॉर सर्जरी मे बी ओपन और माइक्रोस्कोपिक। द सेम इनके साथ हुआ, पेन फिजिशियन ने दो एपिड्यूरल लगा दिया, सर्जन ने ओपन और माइक्रोस्कोपिक की बात कर दी, बट यू रिफ्यूज्ड। यस सर, और वेरी स्कैर्ड। आपको कोई फायदा भी नहीं हुआ? करेक्ट। जी सर। सो व्हेन आई सॉ, जिस समय आए थे बिल्कुल टिल्ट पोजीशन में थे, खड़े नहीं हो सकते, मैसिव डिस्क प्रोलैप्स। तो प्लान था L5-S1 आउटसाइड इन टेक्निक, रिमूवल ऑफ द फ्रेगमेंट। ऑपरेशन के दौरान बेहोश तो नहीं थे? नहीं सर, फुल्ली ऑपरेशन टेबल पे अवेयर। दर्द कैसा लगा? सर दर्द महसूस ही नहीं हो पा नहीं। रहा था उस टाइम पर। और चलना कितनी देर बाद चालू किया? सर तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद ही हो गया था कैसा सर। लगा? सर रियली रिलीफ हो रहा था। एक्चुअली मैंने स्टाफ से हेल्प मांगी थी कि मेरे साथ चलो, अगर मैं गिर गई तो कोई होगा संभालने के पर लिए। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ी सर। पेन बिल्कुल गायब। बिल्कुल गायब सर। चलिए, जी कैसा सर। लग रहा है लाइफ दोबारा? लाइफ सर ड्रीम कम ट्रू हो गया था कम कि बैक, बिल्कुल यकीन कम नहीं हो पा रहा था कि मैं इस कम हिसाब से कम कभी कम वॉक कम भी कर कम पाऊंगी। जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, मैं आपका बैक देख सकता हूँ? जी सर। ओके। सो ये दी बैंडेड, हाउ इट लुक लाइक नाउ यू सी, ऑलमोस्ट ए इनविजिबल स्कार इज देयर। सो प्रियंका जी, अभी बताइए कि एंडोस्कोप के बारे में अब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और व्हाट यू फील अबाउट दिस सर्जरी ओवरऑल? ट्वेंटी सर मिनट्स मैजिक भी हो गया? टू बी ऑनेस्ट, ऑलरेडी आपके पास दो रेफरेंस आ चुके हैं, अच्छा, मेरी खुद की फैमिली के ओके हैं, ओके मैंने ओके उन्हें ऑलरेडी कह चुकी ओके हूँ। एक तो है जो न्यूजीलैंड में है, मैंने उनसे कहा है, वो भी मेरे जैसे ही L5-S1 वाले हैं, उन्होंने भी पेन इंजेक्शन स्टीरॉयड वाले लिए हुए हैं, एंड मैंने हाथ जोड़ के कह दिया है कि प्लीज डोंट बेयर द पेन एनी लॉन्गर, कम हियर, प्लीज गेट ऑपरेटेड विद सर एंड यू विल बी फ्री ऑफ पेन। तो सर जी इज वंडरफुल। इज वंडरफुल सर, सो वंडरफुल 20 मिनट्स एक्सपीरियंस। मैजिक, यस, सो मिरेकल। एवरीबडी वांट्स एंड सी इज कन्विंस्ड। आज की तारीख में एंडोस्कोप इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम। इन सब प्रोसीजर में हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगता है, बट मैजिक क्या है? इनविजिबल स्कार है, कोई बेल्ट है नहीं, इमीडिएट चलना अलाउड है, एक्टिविटी सारे कर सकते हैं, बट प्रिकॉशंस याद रखिएगा, भागना नहीं है, जी दौड़ना नहीं सर, है, वजन नहीं उठाना, ट्विस्ट एंड टर्न नहीं टर्न करना, नहीं करना। राइट? यस सर। थैंक यू सो मच।